नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रौनक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज है 16 सितंबर, टाइम और दिन के 12 बज रहे हैं और लाइव मार्केट ओपन है। तो आज एक शेयर पे फिर से ब्रेकआउट आ रहा है। ब्रेकआउट आने की वजह है कि उस शेयर में अच्छा मूवमेंट बन रहा है, तो मुझे लगता है कि इस शेयर के अंदर आपको बाय करेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर इसके जो टारगेट मैं दे रहा हूँ वो अचीव होंगे। डेफिनेटली 15 से 20 दिन में उसका टारगेट अचीव होंगे। अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। ये कंपनी के बारे में पहले भी दे चुका हूँ, शेयर का ओवरव्यू पूरा कंपनी एनालाइज करके पूरा बता चुका हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म के लिए मैं दो टारगेट दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये डेफिनेटली इसमें अप ट्रेंड आएगा और ये दो टारगेट डेफिनेटली हिट होंगे 15 से 20 दिन के अंदर। तो ओवरव्यू समझते हैं। ये मैंने इसकी वेबसाइट ओपन कर रखी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग का। शुगर सेक्टर की कंपनी है, एथेनॉल बनाती है, काफ़ी चीज़ों में वर्क करती है, 3-4 चीज़ों के अंदर। ये मोटा मोटा समझते हैं। देखिए, शुगर, अल्कोहल, वाटर सॉल्यूशन, पावर सप्लाई, पावर सॉल्यूशन देती है, ठीक है। अब त्रिवेणी इंजीनियरिंग का 3-4 सेक्टर में वर्क है। तो बेसिकली अभी जो ये है आज का, इसका ओवरव्यू समझते हैं। ये 1.5% की तेज़ी से ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 181 के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। देखिए तो आज ये ओपन होता है 179.95 पे और हाई मारता 182.40 और लो मारता 179.25, ठीक है। इसका 52 हाई है 209.40, 52 लो है 62.35। ये तो कंपनी का अभी ओवरव्यू है कि किस लेवल पे शेयर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं और भी क्या चीज़ है इसके अंदर। ये देखिए, मैं इसके अंदर साइड पर आ चुका हूँ। मार्केट कैप है 4,307 करोड़ का। पीई भी सही है, स्टॉक पीई सही है, ठीक है। आरओसी भी सही है, इसका बुक वैल्यू 59 है, ठीक है। फेस वैल्यू इसके 1 रुपये है। अब इसमें देखते हैं, इसमें जो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, सबसे पहले प्लस पॉइंट ये है कंपनी का, जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट जो है, एनुअल ग्रोथ रेट है इसका, ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट जो है इसका वो 78% हो चुका है 5 साल के अंदर अंदर। यानी कि एवरी ईयर कंपनी ग्रोथ अच्छी कर रही है। ये अच्छा प्लस पॉइंट है कंपनी के शेयर के अंदर, ठीक है। ये क्वार्टर बाय रिजल्ट है। ये देखिए, एवरी क्वार्टर ये प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, ठीक है। नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ ग्रो आया था इसका पिछले मार्च क्वार्टर से लेकर, बाकी जून का पिछला देखेंगे 80, यहाँ देखिए 86, और इसके EPS में भी ग्रोथ हुई थी। ये तो ओवरव्यू है, मैंने पहले भी बता रखा है, तो अब समझते हैं। ये देखिए, मैं टिकट टेप के साइड पर आ चुका हूँ। ये देखिए, इधर 100% एनालाइजर हमें बोल रहे हैं कि इसमें बाय करना है आपको, ये गुड एंट्री पॉइंट है इस टाइम पे। अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, एवरी ईयर ये प्रॉफिट मेकिंग है कंपनी, ठीक है। एथेनॉल को लेके गवर्नमेंट जिस तरह से अग्रेसिव है, उस तरह से शुगर सेक्टर में कुछ भी न्यूज़ आता है, इस जो भी न्यूज़ आएगा उस पर इम्पैक्ट इस शेयर पर जरूर पड़ता है, उस न्यूज़ का, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। थोड़ा वर्टिलिटी के साथ वर्क करता है, बाकी इसमें अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपके। जो भी मैं टारगेट देने वाला हूँ वो दोनों टारगेट्स के हिट होंगे। पहले ही मैंने 2 वीडियो में दिए थे दोनों टारगेट, 3 टारगेट तो जब भी हिट हुए थे। तो चलिए अब समझते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग। ये मैंने त्रिवेणी इंजीनियर का डेली चार्ट ओपन कर रखा है क्योंकि डेली चार्ट पर ही ब्रेकआउट आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पे 21 दिन के 7 डेज की एवरेज मूव को क्रॉस ओवर कर रहा है। ये देखिए, दो पहले दिन ये हैमर कैंड हैंगिंग कैंडल बुलिश करता है, फिर उसके बाद इन्वर्टेड हैमर कैंडल बुलिश कर रहा है आज के डेट में। ये देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है। ये डेली चार्ट पे आज इसने ब्रेकआउट दे चुका है ये, तो इसमें देखिए वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है, ये ब्रेकआउट भी दे चुका है। मुझे लगता है कि इसमें आने वाले 15 से 20 दिन के अंदर इसका दो टारगेट, जो मेरा पहला टारगेट है 190 का, दूसरा टारगेट 200 रुपये का। क्योंकि इस चार्ट को आप देखेंगे ना, आप चार्ट को थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो आपको समझ आएगा, क्योंकि ये इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा है। इस कैंडल पे देखिए 179 की कैंडल थी ये, और इसने हाई मारता 190 रुपये का, ठीक है। मेरा भी वही टारगेट है, इस कैंडल को सपोर्ट लेके अब ट्रेंड की तरफ आ चुका है, जिसमें गिरावट भी हो चुकी है, इसमें ब्रेकआउट आ चुका है। इसका RSI भी देखिए अब ट्रेंड की तरफ है, MACD भी अप मूव आ चुका है, और ADX का डाउन आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब उसमें अप ट्रेंड आ चुका है। तो डेफिनेटली उसमें बाय करिए और 15 से 20 दिन में आपके दोनों टारगेट हिट होंगे, पहला टारगेट 190 का, दूसरा टारगेट 200 रुपये का। इन दो टारगेट लिए आप बाय करके पैसे साथ बने रहेंगे, और आपको स्टॉप लॉस रखना है, वो स्टॉप लॉस रखना है आपको, आपको स्टॉप लॉस रखना है 170 रुपये का। 170 रुपये स्टॉप लॉस आप बाय करिए और ये दोनों टारगेट आपके हिट होंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।